Namaskar to all. I beg your permission to speak in Hindi because I am not that much fluent to speak in English. I think you will allow me. पहले मैं हिंदू महासभा ऑफ अमेरिका इस संस्था को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे उतना दूर से कलकत्ता से बुलाना और मुझे यहाँ बोलने के लिए अवसर देना. इसके लिए मैं हिंदू महासभा ऑफ अमेरिका और उनके सभी पदाधिकारियों को मेरा हृदय से धन्यवाद देता हूँ. उसके बाद पहले आज इस दिन का स्मरण कर किया जाए. आज 14 अगस्त शायद हिंदुस्तान में अभी 15 अगस्त होगा. 15 अगस्त पूरा हिंदुस्तान में उत्सव मनाया जाता है, जश्न मनाया जाता है कि हिंदुस्तान इस दिन स्वतंत्र हुआ था, आजाद हुआ था. ये ठीक है कि हिंदुस्तान आजाद हुआ तो उसके लिए उत्सव मनाना चाहिए, परंतु उस दिन का मुझे याद आ रहा है कि जब रात को 12 बजे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किला का दीवार पर वो यूनियन जैक उतार कर तिरंगा फहरा रहे थे, उनके लिए रेड कारपेट डाल दिया गया था कि आज एक भारतीय एक हिंदुस्तानी अपने हिंदुस्तान का राज संभाल रहे हैं. और उस दिन नेहरू जी ने वो हिस्टोरिकल स्पीच दिया था, वी हैव मेड ए ट्रिस्ट विथ आवर डेस्टिनी. परंतु बहुत ही शर्म की बात यह है कि उन्होंने एक बार के लिए भी देश की विभाजन का जिक्र नहीं किया था. और जिन करोड़ों लोगों का इसके देश का बंटवारे के लिए बलिदान करना पड़ा, जो विक्टिम जिनको बनना पड़ा, जिनका अपने अपनों को खोना पड़ा, अपने महिलाओं का इज्जत को खोना पड़ा, उसके लिए कुछ भी उन्होंने उस समय मेंशन नहीं किया था. और आज की 14 अगस्त वह दिन था कि भारत स्वतंत्र होने से एक दिन पूर्व जिस दिन भारत को डिवाइड होना पड़ा, हमारे भारत माता को अंग काटना पड़ा. इसलिए हमारे आजादी न केवल क्रांतिकारियों का खून का कीमत पर हमें मिला है, हमारे आजादी तो हमारे देश के बंटवारे की कीमत पर मिला है. हमारे करोड़ों लोगों का और इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट के हाथ में शहीद होने की कीमत पर मिला है और करोड़ों लोगों को रिफ्यूजी बनने की कीमत पर मिला है. इस बात को हमें याद रखना चाहिए. और मैं बहुत ही कष्ट के साथ और शर्म के साथ ये बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में 15 अगस्त को स्मरण किया जाता है, परंतु 14 अगस्त देश के विभाजन के दिन को याद नहीं किया जाता है. और मैं हिंदू महासभा ऑफ अमेरिका को इसलिए और अधिक धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस 14 अगस्त के दिन को याद किया. उस समय जो 1940 में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का मांग किया था, लाहौर कॉन्फ्रेंस में जिन्ना ने पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया था और कांग्रेस ने शुरू में माना नहीं था, परंतु बाद में जब कांग्रेस ने भी इस पार्टीशन को मान लिया तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने और सबने गांधी जी के पास गए, नेहरू जी के पास गए, कांग्रेस नेताओं के पास गए कि आप तो पहले बताया था कि वी स्टैंड फॉर यूनाइटेड इंडिया, नाउ व्हाई आर कंसीडिंग द डिविजन. तो उन्होंने बताया कि देखो चारों रैक चल रहा है, आग चल रहा है, खून का नलिया बह रही है, इसको रोकने के लिए और कोई उपाय नहीं है. और दूसरी बात, यह हजार साल की झगड़ा है, चलो एक बार मान लो. हाँ, हम ये नहीं मानते टू नेशन थ्योरी, लेकिन फिर भी अमन चैन के लिए, शांति के लिए मान लो और हमेशा के लिए कम से कम ये झगड़ा खत्म हो जाएगा और हिंदू मुसलमान चैन से रहेगा. लेकिन मित्र, उस समय ये जो बिल्कुल इलॉजिकल बात को माना गया कि अगर तुम टू नेशन थ्योरी नहीं मानते हो फिर भी तुम कंपेयर होते हो कि देश का बंटवारा करने के लिए, और वो भी उसी थ्योरी पर, टू नेशन थ्योरी पर, तो फिर मुसलमान के लिए अगर
पाकिस्तान बना तो क्या हिंदुओं के लिए भारत नहीं बना? तो फिर भारत का हिंदू क्यों पाकिस्तान नहीं गए? भारत का मुसलमान क्यों पाकिस्तान नहीं गए? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कमेंट किया था, हम याद रखना चाहिए कि कल तक जो दिल्ली के मुसलमान और मद्रास के मुसलमान और कलकत्ता के मुसलमान पाकिस्तान को पाकिस्तान नाम कर रहा था, दे वर फॉर पाकिस्तान, आफ्टर द 15 अगस्त क्या वो देशभक्त बन गया? वो भारत के लिए देशभक्त बन गया? 24 घंटे में उसका दिल बदल गया क्या? हमें याद रखना चाहिए 1946 का जो चुनाव हुआ था, 46 में चुनाव हुआ था, उस चुनाव में न केवल लाहौर कराची और ढाका के मुसलमान पाकिस्तान के फेवर में वोट डाला था, कलकत्ता दिल्ली और हैदराबाद और मद्रास के मुसलमान भी पाकिस्तान के फेवर में वोट डाला था। यह हिस्टोरिकल ट्रूथ का याद रखना चाहिए कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान पाकिस्तान के लिए वोट मांगा था, और जिनने जो मुंबई के रहने वाले थे उन्होंने इसको नेतृत्व किया था, और हमारे पता नहीं हमारे राष्ट्र कैसा बन गया, हमारे जाति कैसा बन गया कि जिन्ना का हाउस को रक्षण करने के लिए हम आतुर हैं, जिसके कारण हमारे लाखों लोगों का कुर्बान हुआ, जिसके कारण हमारे लाखों महिलाओं की इज्जत लूटा गया। आज भी मुंबई में जिन्ना हाउस को और प्रोटेक्शन देने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए हम आतुर है, हमारे नेता आतुर है, हमारे राष्ट्र नेता आतुर है, ये बात समझ में नहीं आती है। जबकि पाकिस्तान में हमारे सारे घर छीन लिया गया, हमारे सारे मंदिर तोड़ा गया, और पूर्वी पाकिस्तान में हिंदुओं का प्रॉपर्टी को एनिमी प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया, और आज भी वी आर प्रिजर्विंग जस्ट जिन्ना हाउस इन मुंबई, कैन इट बी इमेजिन? और पाकिस्तान आज भी मांग कर रहा है कि जिन्ना हाउस हमें दे दो, हम वहां हमारा एम्बेसी बनाएंगे। हम क्यों नहीं हुआ एक हॉस्पिटल बने, या तो एक पब्लिक टॉयलेट यूरिनल क्यों नहीं बने? जिन्ना को हम किस लिए याद करेंगे? हिंदुस्तान के कातिल के रूप में याद करेंगे या तो और किसी रूप में याद करेंगे? जिस नीति पर, जिस थ्योरी पर देश का बंटवारा हुआ था कि टू नेशन थ्योरी, मुसलमान के लिए अलग जगह चाहिए, यह जगह उनके लिए नापाक है। जिस धरती का अन्न उसका शरीर का पोषण हुआ है, जिस धरती के नीचे का पानी से उसका खून बह रहा है, वो धरती को उसने नापाक ऐलान कर दिया, और इसलिए उससे कटकर एक टुकड़ा को उसने पाक बनाना चाहा। अगर ये कंसेप्ट एक्सेप्ट कर लिया तो हिंदुस्तान का मुसलमान को तो वहां जाना चाहिए था, नहीं तो डॉक्टर मनमोहन सिंह, लाल कृष्ण आडवाणी, आईके गुजराल और ज्योति बसु, ये सारे रिफ्यूजी आए, उनको जगह हम हिंदुस्तान में कहां देंगे? मुसलमानों के लिए तो जगह छोटी यहां है ना, यहां मुसलमान को धमकी खाना चाहिए था, भाई साहब जाओ आपके लिए मैं वहां मकान छोड़ के आया हूं, खेत जमीन छोड़ के आया हूं, दुकान छोड़ के आया हूं, आप वहां जाओ। और वो जो तर्क दिया गया था कि हमेशा के लिए हिंदू मुसलमान मसला झगड़ा खत्म हो जाएगा, लेकिन हमने देखा कि चूंकि पॉपुलेशन एक्सचेंज नहीं हुआ, और आज भी हिंदुस्तान में प्रतिदिन शायद आप लोगों का कल्पना भी नहीं होगा, कम से कम 100 हिंदू मुस्लिम छोटा बड़ा झगड़ा, क्लैशेस, कन्फ्रंटेशन होता है, कम से कम 100 होता है। चाहे असम के धुबरी हो, नगांव मरीगांव हो, चाहे बिहार के किशनगंज हो, चाहे बंगाल के मुर्शिदाबाद हो, चाहे यूपी के अलीगढ़ या तो सहारनपुर हो, और चाहे हैदराबाद हो, तो क्या क्या फिर तर्क क्या था देश का बंटवारा करने के लिए अगर हिंदू मुसलमान झगड़ा रह जाएगा तो? और हमने सोचा था कि देश का बंटवारा, हमारे देश का जो छोटा होना, टुकड़ा होना, यह शुरू हो गया था जब से हमारा हाथ से गंधार गया, वो शायद 47 के 14 अगस्त वो सिलसिला पूरा हो गया, खत्म हो गया, ऐसा हमें लगा था, लेकिन नहीं मित्रों, सन 1990 के
30 जून के दिन हमें फिर याद दिलाया कि जिस दिन कश्मीर घाटी से सभी हिंदुओं का सभी हिंदू पंडितों को घाटी छोड़ के जाना पड़ा, निकलना पड़ा 24 घंटे की नोटिस पे। तो हम कितना देंगे? जहां मुसलमान का आबादी बढ़ जाएगा वहीं पर वो कहेंगे यह हमारे जगह है, यह काफिर को रहने के लिए नहीं देंगे, यह काफिरों का मंदिरों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और वही मुसलमान का आबादी बढ़ते ही जा रहा है। जब बंगाल का पार्टीशन हुआ, मैं केवल बंगाल की हिस्सा को मैं बता रहा हूं, जब बंगाल का पार्टीशन हुआ उस समय पूरे बंगाल में 54% मुस्लिम था और 46% हिंदू था, इसलिए मुसलमान को बड़ा हिस्सा मिला और हिंदुस्तान में बंगाल की छोटा हिस्सा मिला। लेकिन आफ्टर द पार्टीशन द हिंदू मेजोरिटी डिस्ट्रिक्ट्स केम अंडर वेस्ट बंगाल, और उस समय उस इस वेस्ट बंगाल में मुस्लिम था 19%, बिकॉज दीज आर हिंदू मेजोरिटी डिस्ट्रिक्ट्स। और 47 से आज वो मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ के 19 से 29% हो गया है। आप लोगों का शायद याद होगा कि जब अमरनाथ का अमर